बड़ा हर्ष का विषय है कि इस बार भी अमृत सेवक जत्था जिसका संचालन करते हैं हमारे कौम के नौजवान बच्चे सरदार गुलविंदर सिंह जी रतन, सरदार गुरबीर सिंह जी रिंकू और सरदार मनी छाबड़ा जी। ये हर साल हेमकुंड साहब गुरु महाराज का जो तप स्थान है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जो हमारे दसवें गुरु हुए जो उनका तप स्थान है हेमकुंड साहब की यात्रा कराने के लिए ये लखनऊ की संगत उनको लेकर के जाते हैं और रस्ते भर गुरबाणी का गायन, गुरबाणी का कीर्तन, यहाँ से जगह जगह जहाँ पर भी पड़ाव होते हैं वहाँ पर गुरबाणी का गायन, गुरबाणी के कीर्तन, वो प्रवाह उसका चलता रहता है। इस बार ये यात्रा 12/6/24 को जाएगी और 21/6/24 को ये यात्रा वापस आएगी। बड़ी खुशी की बात यह भी है कि ये बच्चे और ये संस्था श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा नाकांडोला जो कि एक पेरेंट बॉडी है यहाँ पर सभी संस्थाओं की, क्योंकि 1898 का ये बना हुआ गुरुद्वारा साहब है और सिंह सभा अपनी तरफ से जो भी सहयोग होता है वो इस यात्रा को और ये जो बच्चे लेके जा रहे हैं इनको अपना पूरा सहयोग। अब पूछेंगे कि सहयोग किस चीज़ का होता है, सहयोग लंगर का सहयोग है, सिरपा देने का सहयोग है और इसके अलावा और भी जिस तरह की बच्चों की डिमांड होती है वो श्री गुरु सिंह सभा के प्रबंधक सज्जन जो हैं वो इनकी डिमांड को पूरी करते हैं। और यहाँ ही नहीं है और इन बच्चों की जो ये लेके जा रहे यात्रा इसको स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर जा करके वहाँ दरियाँ बिछा करके जब तक अगर गाड़ी लेट हो जाए या गाड़ी आने में कुछ भी देरी हो तो बच्चे वहाँ पर कीर्तन वगैरह करते हैं और संगत उससे बैठ करके उसे जुड़ी रहती है ताकि उनको ट्रेन का विलंब होने का आभास ही नहीं होता है। इसमें पूरा का पूरा सहयोग श्री गुरु सिंह सभा और उसके प्रबंधक सज्जनों को होता है। मैं इस यात्रा के लिए इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हर साल बधाई देता रहूँ और जब तक मैं जिंदा रहूँगा पूरा सहयोग, क्योंकि मैं यहाँ के मुख्य सेवादार हूँ, जो भी सहयोग इन बच्चों को चाहिए होगा यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए वो सहयोग जो है श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा नाकांडोला इनको देता रहेगा।